नमस्कार, नागरी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। चलिए रुक कर लेते हैं कुछ खबरों की ओर। देश भर में छठ पूजा का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ में उत्साह के साथ में मनाया जा रहा है। दिल्ली के आईटीओ घाट पर श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। गोरखपुर में राप्ती नदी के राजघाट से छठ पूजा के अवसर पर छठ व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। लखनऊ के लक्ष्मण मेला घाट से छठ व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। बिहार के दीघा घाट से भी श्रद्धालुओं ने बड़े ही उत्साह के साथ उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। ओडिशा के कुआईखाई घाट पर तमाम श्रद्धालु जमा हुए। झारखंड के रांची में भी छठ पूजा पर अलग ही नजारा देखने को मिला। देखिए छह तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग राज्यों से, जहां राजधानी दिल्ली से पहली तस्वीर, उसके साथ ही गोरखपुर, लखनऊ, बिहार, ओडिशा और झारखंड में जहां पर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया गया है। छठ पूजा जो कि 4 दिन तक 17 तारीख से इसकी शुरुआत हुई है, जो कि 4 दिन तक चलेगा और आज आखिरी दिन है जहां पर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते तमाम जो व्रती हैं वो नजर आ रहे हैं। तो आस्था का महापर्व छठ पर्व कहा जाता है, जो कि तमाम राज्यों में बड़े ही उत्साह के साथ में मनाया जाता है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जिससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो तमाम श्रद्धालु हैं उनमें छठ पर्व को लेकर कितना उत्साह है। तो आज आखिरी दिन और इसी के साथ उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया है।